वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं नताशा। अभी हम लोग आए हुए हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर। मैं ना फर्स्ट टाइम जिंदगी में पहली बार रेलवे स्टेशन आई हूं। मैंने कभी ट्रेन नहीं देखी है, फर्स्ट टाइम ट्रेन देखी। मैं इतना खुश हुई हूँ ट्रेन को देखे। मैं खास को बोल रही हूँ चल क्यों नहीं रही ट्रेन देखे। हाँ को मैं देख के आती हूँ। मैंने कभी ट्रेन नहीं देखी, ट्रेन कैसे चलती है कैसे नहीं चलती। मैं सिंध से आती हूँ, मैं कराची, तो मैं यहाँ बस में आती हूँ या गाड़ी में आती हूँ। और मैं फर्स्ट टाइम ट्रेन पे ट्रेन देखती हूँ कैसे चलती। मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, पता नहीं आप लोगों ने देखी होगी शायद। मैं फर्स्ट टाइम देखूँगी रियल मुझे ट्रेन। मुझे पता नहीं था ट्रेन इतनी ऊँची होती है, फिर मैं दिखाती हूँ। ऊँची है ना, मुझे पता नहीं था इतनी ऊँची होती है। ये वाली अभी खड़ी है, पता नहीं क्यों खड़ी है, मुझे नहीं पता। बाकी वो आ रही है ट्रेन। और इतना साफ़ सुथरा है रेलवे स्टेशन। LED लगी हुई है जगह पे, और ये टक शॉप बनी हुई है, और वो वकास बैठे हुए हैं, पापा का वेट कर रहे हैं, और भी पैसेंजर्स हैं काफ़ी ज़्यादा। लेकिन इतना रश नहीं है जितना होना चाहिए। पता नहीं हमारा रेलवे क्यों फेल हो गया, शायद ट्रेन कभी टाइम पे नहीं पहुंचती इस वजह से। मेरे ख्याल से मुझे पता भी नहीं वैसे टाइम पे पहुंचती है कि नहीं पहुंचती। वो ट्रेन नहीं है, कुछ और चीज़ें, इंजन विंजन है, हमें पागल बना रहे हैं। ट्रेन नहीं है वो, आगे वाला हिस्सा है ट्रेन का खाली। कोई हालात है तो ये कब चलेगी। वाओ बेचारे, कितना मुश्किल होता है ना इनका काम, है ना। खास मैं समझती थी फिल्मों में होते हैं खाली कूली, रियल लाइफ में नहीं होते। ब्लास्ट हो गया है, मियाँ की ड्यूटी लगी, फिलहाल रास्ते में सो गया था। क्या आप प्लेटफॉर्म आंटी बोली, मैं इतनी जोर से उछली हूँ, बोला आ गए आ गए आ गए सारे, मुझे देखना शुरू हो गया। उसे बोला कराची से आने वाली ट्रेन, डांस करना शुरू। मैंने फर्स्ट टाइम देखी है यार प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आई, 4 पे। ये फाइनली ये ओके भाई, हम जा रहे हैं प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे। पिनी मोर अभी हम लोग ना प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे जा रहे हैं, ऊपर से चढ़ के ब्रिज पे चढ़ के फिर जा रहे हैं, ठीक है। मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। मैं इतना कोई और भी ऐसा हो जिसने कभी रेलवे स्टेशन ना देखा हो, ऐसा भी हो सकता है ना। मैंने पहली बार ऐसा बंदा देखा। हद है, हकीकत है। तो मैंने पहली बार देखा है ना, मुझे नहीं पता ना। मुझे ट्रेन आ गई है, प्लेटफार्म नंबर 4 पर रुकेगी। हम प्लेटफार्म नंबर 4 पर खड़े हुए हैं और वकास अंकल से बातें कर रहे हैं। एंड लेट्स सी बोगी नंबर 13, देखिए बोगी नंबर 13, 11, 13 था 11 था। कैसे आप सब लोग, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। मैं हूं नताशा। मैं हूं आप आकाश हो, ये है तस्वीर, ये है अरमीश। आपका नाम क्या है? अमित। आपका नाम क्या है? तस्वीर, आपसे पूछ रही हूं। यार मैं मुंह के करीब कैमरा लगती हूं, मेरा मुंह इतना मोटा आता है। और ये है मोहम्मद बलाज, और ये मोहम्मद बलाज है, और एज यूजुअल लॉलीपॉप खाने में मसरूफ है। और ये मोहम्मद अबहाज है। मोहम्मद अबहाज सोए हुए हैं, है ना। नहीं जा क्या मोहम्मद अबहाज, जा ग्रीन आईज वाला अबहाज है, ये हमारा प्यारा अबहाज है। अभी हम लोग किधर आए हुए हैं? अल जन्नत मॉल। किसकी शॉपिंग करने? अरमिश की। अरमिश आपने क्या लिया है? शादी आया। तो क्या लिया है? क्या लिया है? ड्रेस लिया। ये ना डियाना वाली लैंग्वेज बोलती है, इसलिए समझ में आती है। हमें नहीं आती। देखो अभी हेलो कैसे बोलेगी। हेलो बोलो। हेलो। ये देखा डियाना, डियाना बोलो। डियाना। मुझे डियाना बोलना नहीं आता। रोमा। रोमा। बोलो व्हाट हैपेंड। व्हाट हैपेंड। ये देखा। अच्छा चले, अभी हमने कपड़े ले लिए अरमिश के और चेंज भी करवा दिए, इसको आपको आगे नजर आएगा तो आप वो देख लेना क्लिप। अस्सलाम वालेकुम, अभी हम लोग अल्जनन मॉल आए हैं अरमिश को लेके। जो अरमिश के जो दो ड्रेसेस थे ना, उनका एक का टसल खराब हुआ था और एक का साइज बहुत ज्यादा बड़ा था,
तो जिसका साइज बड़ा था ना वो इसके साइज में है नहीं। हमने 24 नंबर लिया था, 22 या 20 नंबर कोई भी पड़ा नहीं हुआ। फिर तस्वीर के जैसा कुछ लेकर रहने लगी हूँ इसको, तो मैं दिखाती हूँ आपको कौन सा है। अनमिशा ये वाला ड्रेस पहन के चेंज करके दिखाएगी आपको कि ये सही लग रहा है, फिर ये वाला ले लेंगे हम इसका उसके बदले। कैची लग रही है। डांस नहीं करने का कहा, घूमो जरा बैक पे दिखाओ, इधर आओ आगे आओ घूमो, एक जगह खड़ी हो बैक पे, कैसा है बैक से? हाँ प्यारा है। आप नहीं चेक करो, इधर देखो बैक साइड पे दिखाओ ऐसे। कैसे बनाया है? अच्छा क्या होता है, कैसे बनाया? आओ कैसे बनाया, पीछे से दिखाओ कैसा लग रहा है। वाओ आप तो बिल्कुल मुझ पे गई हो। ये जो प्राइज है और ये बच्चों के लिए मंगवाया और मेरे मियाँ बैठ खा रहे हैं। मियाँ ना खाए, वो मुझे बोल रहे हैं कि वकास भाई को ना अपनी पसंद के कपड़े लेके दें, उनकी पसंद के नहीं पहनाए उनको। अब वो मजाक अच्छा करते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खाया था, टिक्का पराठा मंगवाया था हमने और साथ में टिक्का, तो जाहिर सी बात दही रायता जो होता है, सैलेड था थोड़ा सा और साथ में कोल्ड ड्रिंक थी, और बच्चों के लिए फ्राइज़ मंगवाए थे क्योंकि फ्राइज़ जो है ना वो सिर्फ बलाज खाता है लेकिन साथ में फिर सारे खाने लग जाते हैं। और इन दिनों जो है मैं शादी की शॉपिंग में तैयारियों में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ क्योंकि आपको पता है दो ही भाई हैं, एक ही बहन है, तो मेरी नंद भी आई हुई है, पापा आए हुए थे पिछले दिनों में तो वो होके गए, तो फिर नंद आई थी, तो इस वजह से मैं वीडियोस प्रॉपर नहीं लगा पा रही लेकिन मैं रिकॉर्ड सब कर रही हूँ, बरी के कपड़े कैसे सिलवाएं, अपने कैसे सिलवाएं, तो मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों को अपडेट करती रहूँ, साथ साथ व्लॉग्स की शक्ल में बलाज और अभाज के इतने प्यारे कपड़े लिए हैं, शेरवानी फोर पीस वो सब के सब मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे अब हम लोग खाना खा रहे थे तो मैंने कैमरा इस तरह से रख दिया था कि आपको नज़र आ जाए हम खाना खा रहे हैं, और देखिए इतना हम लेट हो गए थे कि रेस्टोरेंट बस बंद होने वाला था, आई थिंक 11:30 का टाइम होगा, बस उसके बाद फिर हम घर आ गए। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, आप लोग भी मेरे साथ साथ इन्जॉय कर रहे होंगे, अपना ख्याल रखना ढेर सारा, मैं नेक्स्ट वीडियो मिलूंगी इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।